टू लाइकेबल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको TCS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जी गाइस, ये जो NQT टेस्ट है वो TCS हर साल निकालती है, जो कि पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुई है, वो इस बार फिर से लॉन्च की गई है। एंड इसमें मल्टीपल बैचेज हैं जो कि एलिजिबल है, एंड साथ में बहुत सारी चीज़ें जो कि चेंजेस हुई है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ओके, तो ये जो ड्राइव निकाली गई है इसमें आपको इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों की निकाली गई है, साथ में जो आर्ट्स हैं, कॉमर्स है, साइंस एंड साथ में जो डिप्लोमा ग्रेजुएट्स हैं, सारे इस टाइप के लिए एलिजिबल हैं। आप सारे टाइप को अटेंड कर सकते हो। एंड दूसरी सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको जो ड्राइव दी जाएगी वो कम्प्लीटली आपको फ्री है। यहाँ पे कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना है इस टेस्ट के लिए। एंड ये टेस्ट भी आपको लाइक MCAT ELTMS जो ऑफर करती है वो सेम उसी टाइप की ये TCS की निकाली गई है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो इस स्कोर के बेसिस पे। ओके, डिटेल मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे हमने को बताया, इस जो ड्राइव है, ये टेस्ट है, इसको नेशनल क्वालिफायर टेस्ट TCS NQT के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, BTech एंड एनी डिग्री एंड डिप्लोमा, चाहे आप आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस ड्राइव। ओके, एंड बैचेज यहाँ पे मायने रखती है। जहाँ बैचेज आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 बैच सारे यहाँ पे एलिजिबल है। लगभग आपको सारे बैच कवर हो रहे हैं, 5 बैच कवर हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी आने वाले बैच हैं एंड जो पहले से हैं जिनकी ना हो पाई हो, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को बूस्ट करने की एंड अपने कैरियर को स्टार्ट करने की। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इस ट्राइब को, इस टेस्ट को ज़रूर अटेंड करें। एंड इसकी आगे डिटेल मैं आपको डिस्कस करूँगा। एंड सैलरी यहाँ पे कोई डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि आपको इस टेस्ट के बेसिस पे आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, इस टेस्ट के बेसिस पे आपको किसी कंपनी में फिर ऑफर मिलेगा। ओके, उसके बाद आपकी सैलरी डिसाइड होगी। एंड जॉब लोकेशन आपको बता दिया, ये अक्रॉस इंडिया है आपको। एंड दूसरी डेट जो है आपको लास्ट डेट, वो 17 अक्टूबर है। तो इस डेट को जरूर ध्यान में रखें, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, एंड इंटरेस्टेड तो छोड़ो, जो भी बैच हो अभी एलिजिबल हो या अगले साल पास आउट होने वाले हो या पास आउट हो चुके, जो भी मैंने बताया 2018 से 2022 तक, हर कोई जिनके पास अभी कैंपस ना हो या जिनके पास जॉब ना हो, वो इस NQT को जरूर दें। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपकी उच्च सिलेक्शन किसी न किसी कंपनी में हो जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी अगर स्कोर अच्छी हुई तो TCS में ही हो जाएगी। एंड TCS में इस NQT के बेसिस पे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी डायरेक्ट TCS रिक्रूटमेंट में बना के डालूंगा, वो उस वीडियो को देखना। उसमें आपको NQT के बेसिस पे TCS की एम्प्लॉयमेंट को आप अचीव कर सकते हो। ओके, तो उसकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। एंड इसकी टेस्ट डेट बता दूं, 24, 25, 26 अक्टूबर, ये 3 डेट हैं। इस तीनों डेट पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी होगी। कैसे और कहाँ, आगे बताते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, जो भी ग्रेजुएट्स हैं प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर। तो यहाँ पे जो मैंने 5 बैच बताई उसकी यही रीज़न है। फाइनल ईयर जैसे कि अभी जो 2021 बैच में पास आउट होने वाले हैं वो हो गए, एंड प्री फाइनल जो 2022 में होने वाले हैं, तो 2021 और 22 हो गए। एंड आगे आप देख सकते हो कि फ्रेशर विथ लेस देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो जिनके पास 2 साल से कम एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि 2018 बैच तक वाले भी एलिजिबल है। तो आप 2018 जब एलिजिबल है तो 19 भी एलिजिबल है। सो 2018, 19, 20, 21 एंड 22 ये सारे बैच आप इस पर अप्लाई कर सकते हो बेहिचक। एंड दूसरी, स्टूडेंट विथ एनी डिग्री एंड एनी स्पेशलाइजेशन। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइजेशन या ब्रांच स्पेसिफिक नहीं है कि आप IT और CS के हो तो इस टाइप को अटेंड कर सकते हो। आप किसी भी ब्रांच के हो, किसी भी क्वालिफिकेशन के हो, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर सिविल, मैकेनिकल, यू आर एलिजिबल फॉर दिस टाइप। ओके, नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बताते हैं। तो ये टेस्ट आपको ऑनलाइन कंडक्ट होगी एंड फिजिकल भी होगी। तो अगर आप चाह रहे हो आप घर बैठे टेस्ट लेना, तो आप इसे घर बैठे अपने घर से टेस्ट दे सकते हो, या फिजिकली जाना चाहते हो तो आप TCS आयोन का सेंटर जानते होगे, वहाँ जाके आपको देनी होगी। ओके, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों चूज कर सकते हो कोई एक। एंड 2 ईयर वैलिडिटी ऑफ NQT स्कोर, जो अभी टेस्ट होगे, आपके जो स्कोर आएंगे वो 2 साल तक वैलिड होंगे, यानी कि आप इस स्कोर के बेसिस पे 2 साल तक जो भी इस लिस्टेड कंपनीज है उसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड आगे, अप्लाई फॉर एंट्री लेवल रोल इन एनी कॉर्पोरेट विद द NQT स्कोर। तो आप इसके साथ जो भी NQT स्कोर है उसके आगे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अब है इसकी सिलेक्शन पैटर्न।
इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपको उसकी पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो टेस्ट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट, यानी 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड उसमें पैटर्न क्या है आपको, जिसमें आपको 3 सेक्शन होंगे। ओके, पहला आपको वर्ब एबिलिटी है, जिसमें आपको 24 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट के होंगे, एंड सारे पर टाइमर लगेंगे आप। ये मतलब टोटल आपको 120 मिनट मिलेंगे और तीनों को आप मैनेज कर लोगे। हर सेक्शन की टाइमिंग होगी, वो टाइमिंग आप उस टाइमिंग में सबमिट करो ना करो, वो आपको सेक्शन क्लोज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। एंड दूसरी इसकी रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 50 मिनट दी जाएगी। एंड तीसरी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसमें 26 क्वेश्चन 40 मिनट दी जाएगी। ओके, तो इसका आपको एक मॉक टेस्ट, सैंपल टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि आपको 30 सितंबर को अपलोड होने वाला है, आपको TCS के साइट से मिल जाएगा। एंड वो जैसे आएगी, मैं जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अपडेट कर दूँगा। ओके, एंड नेक्स्ट है इसकी जो प्रोसेस है, अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आपको फर्स्टली सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको सेलेक्ट द टेस्ट मोड, आपको टेस्ट सेलेक्ट करना है, आप घर से देना चाहते हो, फिजिकली देना चाहते हो। ओके, एंड टेक द टेस्ट। उसके बाद आपको जिस डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको आपकी टेस्ट मिल जाएगी। ऑनलाइन हो तो आपको लिंक आ जाएगी, नहीं तो आपको फिजिकली सेंटर पर जाके देना होगा। एंड वेट फॉर रिजल्ट, इफ़ यू गेट अ बेंचमार्क स्कोर विद अ वैलिडिटी ऑफ 2 ईयर्स, आपको अगर स्कोर आपकी अच्छी आती है, एंड जो भी एक बेंचमार्क स्कोर है आपकी 2 साल तक वैलिड रहेगी। एंड एक्सेस अनलिमिटेड जॉब ओपनिंग, जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज लिस्टेड होगी उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग NQTS स्कोर। तो जैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट सर चीज़ बता दी है, फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यू कैन अप्लाई टू एनी कंपनी डेट रिकॉग्नाइज द NQTS स्कोर एंड इंडिकेट योर NQTS रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आफ्टर गेटिंग योर NQTS स्कोर, आप किसी भी कंपनी जो कि NQTS से रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको एक NQTS रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी आफ्टर गेटिंग स्कोर, उसके लिंक करके या उसके मेंशन करते हुए आप आगे उस स्कोर के थ्रू अपनी कैंडिडेचर को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, एंड वो आपको वैलिड रहेगी, एंड डिपेंडिंग ऑन द NQTS स्कोर यू हैव सिक्योर्ड, यू कैन अप्लाई टू कंपनीज एंड जॉब रोल, मैंने आपको बता दी। एंड यू कैन व्यू द लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट, तो इस NQTS से लिस्टेड जितनी कंपनीज हैं उसकी व्यूज भी आप देख सकते हो, जो कि पहले डाली हुई हो आपको साइट पे मिल जाएगी, उसकी लिंक चाहो तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप पूछ सकते हो। एंड जो अपडेटेड लिस्ट है वो अभी आई नहीं है, वो नेक्स्ट आप कुछ दिनों में आपको वो मिल जाएगी। एंड टू अप्लाई TCS थ्रू NQTS विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, जैसे को बताया कि डायरेक्ट TCS में कैसे अप्लाई करना है NQTS के थ्रू, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो गाइज इसे आपको मैंने डेट बता दिया है कि 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दें, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैं सबको लिंक पे जाके बता रहा हूं। तो आप देख सकते हो ये NQTS नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है, जो कि TCS की है, TCS आयोन। यहां पे आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन है हर चीज़, आपको टेस्ट 24, 25, 26 दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन नाउ क्लियर 17 अक्टूबर लास्ट डेट दिख रही होगी, एंड सैंपल टेस्ट भी दिख रहा होगा 30 सितंबर है। तो इसी साइट पे आपको आनी है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन भी करनी है, अपनी सैंपल टेस्ट भी देनी है। ओके, एंड सारी डिटेल आप इसके बारे में देख सकते हो, यहाँ पे 1x1 स्क्रॉल करके आप आओगे, आपको सब चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो सिंपली आपको इस रजिस्टर नाउ है इस बटन पे क्लिक करके अपनी साइन अप एंड लॉगिन आईडी बना के आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, डेट्स इट। एंड अपनी सेंटर, जो सेंटर मोड है होम या फिजिकली, वो आपको सेलेक्ट करके हैंड दिए गए डेट पे आपको अपनी टेस्ट देनी है, डेट्स इट। तो गाइज ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, लास्ट में कुछ आपको डेट में रिमाइंडर कराना चाहता हूँ जिसे आपको याद रखनी चाहिए। इसकी रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 17 अक्टूबर है, सैंपल टेस्ट आपको 30 सितंबर को मिल जाएंगे, एंड जो ऑनलाइन टेस्ट डेट है वो आपको 24, 25, 26 अक्टूबर है। तो ये 3 डेट है, ये आप इसे अपनी रिमाइंड करते रहें, माइंड में रखें, इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखें, एंड बी रेडी टू टेक टेस्ट। ओके, तो गाइज ये थी इससे जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको जो भी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो गाइज बस लास्टली मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी जिसने बैच मैंने बताए, कभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करना, सभी अप्लाई करना। यहाँ पे आपको बल्क हायरिंग है, मास वैकेंसीज है, मोस्टली आप में से हर लोग सिलेक्ट हो जाओगे। ओके, तो इसे मिस मत करना। एंड आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आती हो वो जॉब से रिलेटेड वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।